तो एमसीयू का ग्रीन मॉन्स्टर और मॉन्स्टर वर्स का किंग ऑफ द मॉन्स्टर दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, लेकिन क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे से ही टकराएंगे। तो हल्क और गॉडज़िला अपने यूनिवर्स के बहुत ही ज्यादा पावरफुल करेक्टर्स हैं, जिन्होंने एक से एक बड़े विलन्स को हराया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों मॉन्स्टर्स में ज्यादा पावरफुल कौन है, और अगर इनकी कभी फाइट हुई तो उस फाइट को कौन जीतेगा। तो यस, ये हमारी मार्वल वर्सेस मॉन्स्टरवर्स सीरीज का एपिसोड 5 होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और यार एक चीज तो बताना ही भूल गया कि ये बैटल मूवीज के बेसिस में होगा, ना कि कॉमिक्स के बेसिस में, यानी मॉन्स्टरवर्स का गॉडज़िला और एमसीयू का हल्क। और यार तुम लोग क्या कर रहे हो, लगभग 91% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार फटाफट से कैप्टन के शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन दोनों करेक्टर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ताकि आप सब लोग इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे से समझ पाओ। और शुरुआत करते हैं अपने हरे भरे पहलवान हल्क से। तो हल्क ने लोकी को ऐसा भटका था कि लोकी को उसकी नानी याद आ गई थी, प्लस हल्क ने हल्क बस्टर को ऐसी टक्कर दी थी कि टोनी स्टार्क भी परेशान हो गया था, प्लस हल्क एक स्पेसशिप से इतने ऊपर से गिरने के बाद भी सरवाइव किया था। तो हल्क ने अपने एक ही पंच से एक लवैथियन को रोक दिया था, प्लस अल्ट्रॉन के खिलाफ भी एक अच्छी खासी टक्कर दी थी, प्लस हल्क ने एक वक्त के लिए तो शटर को भी हिला दिया था। तो ये हरा भरा पहलवान बुलेट प्रूफ है, जिसकी वजह से इसने टैंक्स और किसी भी टाइप्स की गन को इजीली सर्वाइव कर लिया था। तो हल्क ने हेला के पैट फेनरिक्स को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी, इनफैक्ट लास्ट में हराया भी था। और हल्क ने फोर स्नैप ऑफ द एमसीयू का एक स्नैप भी किया था, और अमेजिंग बात तो ये थी कि इस समय ये तीन चीजों के बारे में सोच रहा था। कुछ लोगों को फोर स्नैप ऑफ एमसीयू के बारे में ढंग से पता नहीं है। तो देखो, पहला स्नैप इन्फिनिटी वॉर में हुआ था जो थैनोस ने किया था, दूसरा स्नैप भी थैनोस ने किया था अवेंजर्स एंडगेम की शुरुआत में, फिर तीसरा स्नैप हल्क ने किया, और चौथा स्नैप आयरन मैन ने किया अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए। तो अब हम बात करते हैं इसके अपोनेंट यानी गॉडज़िला की। तो गॉडज़िला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर है, जिसने एक म्यूटो को अपनी एटॉमिक ब्रीच से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, प्लस इसने न्यूक्लियर पल्स जैसी फॉर्म में आके किंग गिडोरा को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो किंग गिडोरा जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। तो गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में इसने मोनार्क की फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लस इसी मूवी में इसने कॉन्ग को दो बार हराया था। दूसरी बार जब इसने हराया था तो उस समय इसने कॉन्ग को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, उसने बस इसे मरने के लिए वहां छोड़ दिया। तो अब मैंने इन दोनों करेक्टर्स के कुछ पावरफुल फीट्स आपको बता दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों करेक्टर्स के कंपैरिजन में कौन जीतेगा। तो अब हम इन दोनों करेक्टर्स को अलग अलग पॉइंट्स में कंपेयर करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो हल्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से ही जाना जाता है। एक बार इसने कॉमिक्स में और एक एनिमेटेड सीरीज में न्यूयॉर्क की पूरी सिटी को लिफ्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीट है। लेकिन अफसोस कि एमसीयू का हल्क अभी ऐसा नहीं कर पाया, और अभी हम एमसीयू के हल्क और मॉन्स्टरवर्स के गॉडज़िला का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमसीयू का हल्क ये नहीं कर सकता। एमसीयू के हल्क के भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेट्स हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताए, जैसे एक लवैथियन को एक पंच से रोकना, प्लस शटर को अपनी जगह से हिलाना। तो एमसीयू का दिखा हुआ हल्क अभी तक 100 टन तक के वजन को इजीली लिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर वही बात करें गॉडज़िला की, तो गॉडज़िला इजीली 318,379 टन तक के वजन को इजीली लिफ्ट कर सकता है, जो कि मुझे इस पॉइंट पे लेके आता है कि स्ट्रेंथ पॉइंट गॉडज़िला को मिलना चाहिए। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ड्यूरेबिलिटी। तो इन दोनों करेक्टर्स में ज्यादा ड्यूरेबल कौन है, इसका पता हमें इन दोनों करेक्टर्स के हीलिंग फैक्टर से लगेगा। और अगर हम इन दोनों के हीलिंग फैक्टर्स को देखें, तो इन दोनों के पास ही रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर है। तो गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में गॉडज़िला के ऊपर एक मिसाइल फोड़ी गई थी, जिस मिसाइल से ठीक होने के लिए वो अपने घर गया था अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। तो वहां पे मोनार्क के लोगों ने कहा था कि गॉडज़िला को रीजनरेट होने के लिए बहुत से साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें हल्क की, तो एमसीयू का हल्क अगर पूरा भी डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी वो 11 मिनट यानी 11 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को पूरा हील या पूरा रीजनरेट कर सकता है।
तो गॉडज़िला को रीजनरेट होने के लिए तो सालों लग सकते हैं, लेकिन हल्क सिर्फ 11 मिनट के अंदर अंदर रीजनरेट हो सकता है, जिसका मतलब कि ड्यूरेबिलिटी पॉइंट हल्क को जाएगा। तो अब हम थर्ड पॉइंट यानी स्पीड की बात करते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स में ज्यादा स्पीड किसके पास है? अब देखो, हल्क जितना तेज दौड़ेगा, गॉडज़िला अपनी हाइट की वजह से कुछ ही स्टेप्स में उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये आती है कि हल्क के पास बहुत ही लंबे लंबे जंप्स हैं, जिन जंप्स की मदद से वो गॉडज़िला से बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं स्पीड पॉइंट हल्क को देना चाहूंगा। और ये पॉइंट हल्क को इसीलिए भी मिल रहा है क्योंकि हल्क अपने जंप से गॉडज़िला को हिला भी सकता है, क्योंकि सर्टर को उसने हिलाया था जो कि गॉडज़िला के डबल साइज का है। वैसे इस पॉइंट का नाम जंप पॉइंट रखना चाहिए था, स्पीड पॉइंट ऐसे ही रखा। तो अब हम फोर्थ पॉइंट को कवर करते हैं, जो पॉइंट हर एक फाइट पे बहुत जरूरी होता है, और वो पॉइंट है एक्सपीरियंस का। तो अभी एमसीयू में हल्क को हल्क बने ऑलमोस्ट 14 टू 15 ईयर्स हुए हैं, लेकिन अगर गॉडज़िला की बात करें तो गॉडज़िला मिलियन ऑफ ईयर से अर्थ में ही है और बहुत सी फाइट्स कर चुका है, जो कि गॉडज़िला को फाइट का एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देगी। तो एक्सपीरियंस पॉइंट मैं गॉडज़िला को देना चाहूंगा। तो अब हम फाइनली बात करते हैं कि इन दोनों करेक्टर्स में ज्यादा पावर्स किसके पास हैं, यानी पावर्स पॉइंट का। तो देखो, हल्क के पास सिर्फ स्ट्रेंथ है, यानी हल्क अपनी स्ट्रेंथ के दम से ही किसी से लड़ता है, उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। लेकिन गॉडज़िला की बात करें तो गॉडज़िला के पास एटॉमिक ब्रीथ और न्यूक्लियर पल्स जैसी पावरफुल एबिलिटीज है, और इसी वजह से मैं पावर्स का पॉइंट गॉडज़िला को देना चाहूंगा, क्योंकि हल्क के पास तो कोई पावर्स ही नहीं है, यानी कोई मैजिकल टाइप पावर्स। और इस पॉइंट से एक और बात भी क्लियर हो गई कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल गॉडज़िला ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉडज़िला ज्यादा पावरफुल है तो वही फाइट जीतेगा, क्योंकि पावरफुल होना और फाइट करना दो अलग अलग चीजें हैं, जो बात मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो हमने इनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एक्सपीरियंस और पावर्स को तो कंपेयर कर लिया। तो अब हम फाइनली देखते हैं कि अगर इन दोनों करेक्टर्स की फाइट हुई तो उस फाइट को कौन जीतेगा। तो देखो, इन दोनों करेक्टर्स की फाइट बहुत अजीब हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही रेडिएशन को छोड़ते और एब्जॉर्ब करते हैं। अगर गॉडज़िला अपने न्यूक्लियर पल्स और एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करेगा तो हल्क उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरी तरफ हल्क भी गामा रेडिएशन को छोड़ता है। लेकिन इसके कोई भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गॉडज़िला गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो कर लेगा, क्योंकि है तो वो एक तरह का रेडिएशन ही। तो यार, अगर ये एक दूसरे के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते रहे तो इस फाइट का तो कोई एंड ही नहीं होगा। तो यार, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? और मैं तो ड्रॉ के साथ ही जाना चाहूंगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने हल्क और गॉडज़िला को कंपेयर किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोस एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज। 10 असेंबल्ड।